नमस्कार, मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लाइज को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देखना आ जाएगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं पितृदोष के बारे में। जैसा कि आपने नाम से सुना होगा कि पितृदोष होने से आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपकी कुंडली में अच्छे योग भी हैं, अच्छे ग्रह भी बैठे हैं, अच्छी दशाएं भी चलती है, परंतु पितृदोष जब होता है कुंडली में, जब भी सूर्य और राहु साथ में होते हैं या सूर्य चंद्रमा साथ में होते हैं, सूर्य बृहस्पति साथ में होते हैं, तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है आपकी कुंडली में। वो ऐसा मानना जाता है कि जब भी इनका योग कुंडली में कहीं भी बनता है तो पुत्र पितृदोष का निर्माण हो जाता है। तो इसमें जो लक्षण हमको प्राप्त होते हैं कि हमारे इतने अच्छे योग भी हैं, परंतु हमारे पूर्व जन्म में जो हमने अच्छे जो भी अपने माता पिता गुरुजनों से अच्छे संबंध नहीं रखे, उन्हें कष्ट दिए हैं, पत्नी को कष्ट दिए, तो वो इस रूप में इस जन्म में हमें वो पितृ दोष के अनुसार हमें फल प्राप्त होते हैं, और अच्छे योग होने के बाद भी हमें हमारी परिस्थितियां जो बनती हैं कि हमें अच्छी नौकरी नहीं मिलती है, हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती है, पति पत्नी में कलह रहता है, इस तरह से योग बन जाते हैं जो कि पितृदोष के कारण हो जाते हैं। तो जब भी कुंडली में जैसे सूर्य राहु के अगर ये डिग्री आपके बहुत करीब है, 2, 3, 5, 6 डिग्री में है इनका अंतर, तो आपको उसका बहुत ही ज़्यादा असर होगा। परंतु जब भी सूर्य के साथ में राहु, सूर्य के साथ में चंद्रमा या सूर्य के साथ में बृहस्पति होंगे तो इसका इफेक्ट होता है। अगर जैसे बृहस्पति के साथ में मान लो सूर्य राहु है और उनकी बृहस्पति की कुंडली में अच्छी पोजीशन में है, वो उच्च का हो और राहु साथ में हो, तो उसका प्रभाव उतना नहीं होगा जितना कि वो और सूर्य और चंद्रमा के साथ में होंगे। तो इस तरह से अगर डिग्री अगर उनके सूर्य राहु के बहुत पास में होंगे तो इसका प्रभाव ज़्यादा होगा। जब भी इनकी दशा अंतर दशाएं चलेगी सूर्य राहु के, तो उसमें ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो इस तरह आपका इसका लक्षण भी हमने बताया कि हमारे अच्छे सब कुछ होने, अच्छी मान लो आपके पास में सब अच्छे योग भी बने हुए हैं, तो भी हमें जो भी हमें संतुष्टि प्राप्त होगी और उसके कारण हमें जो भी उसका जो भी है जैसे नौकरी का बार बार छूटना होता है, परीक्षा में भी बार बार असफल होते हैं, वैवाहिक जीवन में कलह होते हैं, कभी कभी यह भी नहीं हो पाता है, तो इस सब के लिए हमें जब भी जातक है वो ज्योतिषी के पास आता है तो उसका परिणाम जो हमने अभी देखा वो होता है। तो जो जातक को उसके ऐसे लक्षण अगर हो रहे हैं तो हमें उसकी शांति कराना चाहिए। शास्त्रों में इसके बारे में कहा गया है कि अगर इस तरह का अगर आपका असर हो रहा है तो छोटे छोटे उपाय से आप इसको हम ठीक कर सकते हैं। जैसे इसमें अमावस्या का श्राद्ध के बारे में बताया गया वो करना चाहिए, या फिर एक उपाय में ऐसा भी बताया कि पीपल का वृक्ष जो रहता है उसके लिए आपको बृहस्पतिवार को शाम को जाके उनको जल चढ़ाना चाहिए, थोड़ा 7 बार उनकी परिक्रमा करना चाहिए, जिससे कि उसके प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। फिर विष्णु सहित नाम का पाठ भी कर सकते हैं आप। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आप करें, और इस में माता पिता और गुरुजनों का आदर सम्मान करना चाहिए, उनके आशीर्वाद लेने से भी इसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। तो इस तरह से पितृदोष होने पे छोटे छोटे उपाय हैं। आप अपने घर में दक्षिण के दीवार पे माता पिता की जो फोटो है उसमें
लगा के उनके पितरों के आशीर्वाद के लिए उनकी पूजा आराधना करना चाहिए। अपने इष्ट देव की पूजा आराधना करने से भी आपका जो पितृदोष है वो कम होता है। तो पितृदोष के लिए जो छोटे छोटे उपाय हैं वो आप जरूर कीजिए, जिससे कि उसके प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। हमेशा का श्राद्ध कीजिए, सांध पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाइए, सूर्य को भी जल चढ़ाना चाहिए, जिससे कि उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। इस तरह से ये उपाय हैं जो कि आप कर सकते हैं। पूर्वजों के लिए भी जो भी पूर्वजों को से भी माफ़ी मांगकर उनका जो है कि श्राद्ध करना, श्राद्ध के समय में उनकी पूजा आराधना करना चाहिए, जिसके प्रभाव को कम किया जा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो कि आप कर सकते हैं और उसके प्रभावों को आप कम कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से सरल तरीके से पितृदोष के उपाय करके आप जो भी है गाय है, फिर पक्षी हैं, चींटियां हैं, मछलियां हैं, इनको भी उनका भोजन देने से भी पितृदोष का प्रभाव में कमी आती है। तो ये सरल तरीके के उपाय हैं, तो उनको आप क्या करेंगे तो आपको जरूर पितृदोष से छुटकारा मिलेगा। और ये निरंतर और कंटिन्यू करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें जो उसके लक्षण हमने बताए उसमें कमी आ सके और इसके प्रभाव को कम किया जा सके। तो ये सरल तरीके से बताने की कोशिश की कि पितृदोष जो भी है कुंडली में अगर बन रहा है सूर्य राहु की से बन रहा हो, या सूर्य और राहु चंद्र से बन रहा हो, बृहस्पति राहु से बन रहा हो, तो इस तरह से कुंडली में वो कहीं पे भी बन रहा होगा तो जिस भाव से बन रहा है उस भाव के फलों को भी नष्ट करेगा। और जो ग्रह है सूर्य से बनेगा तो सूर्य और चंद्रमा और बृहस्पति से बनने के कारण जो भी उनके फल हैं आपको हमने बताया वो प्राप्त नहीं हो रहे हैं। भले ही आपका अच्छी दशाएं चल रही हो, ग्रह मजबूत हो, षड बल में भी सहयोग कारक ग्रह में मजबूत हो, तब भी आपको अच्छे फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि आपके उसमें पितृदोष है। और इस सरल तरीके से जो उपाय बताया वो करके आप उसको उसके निदान कर सकते हैं। आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा तो मेरे चैनल ऐश्वर्या जी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको टेलीफोन से परामर्श प्राप्त करना हो तो मामले दक्षिणा देख के टेलीफोन से परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा, लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।